कोई आदि और ना ही कोई अंत है, ना ही इनका कोई आदि है। महादेव देव में आप इस समय है काशी शिव जी के त्रिशूल के नोक पे है। जी जी ये जो सिटी है वो शिव जी का त्रिशूल है, उसके नोक पे ये बसा हुआ पूरा शहर है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी जी लोग कहते हैं जो काशी में जिनका स्वर्गवास होता है वो साक्षात स्वर्ग प्राप्त करते हैं। साक्षात स्वर्ग वही गंगा वही जमुना वही सरस्वती, वही गंगा वही जमुना वही सरस्वती, वहीं पे बड़े हनुमान जी लेटे हुए हैं। जी जी और वहीं पे शेष नाग भी है, वहीं पे तक्षक नाग भी है। जी जी बिल्कुल। लोग कहावत में कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग। जी जी सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ श्री राम जी ने लिया अवतार। अच्छा अच्छा सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ श्री राम जी ने लिया अवतार। वाह भाई वाह, बहुत मैडम शायर लगते हैं मुझे। तीर्थों का राजा प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज। लेकिन सही शायर आप। तीर्थराज उसका नाम ही है। तीर्थराज उसका नाम ही है। मैं काफी साल वहाँ रह के स्टडी की हूँ। अच्छा अच्छा। नाउ आई एम वर्किंग इन गाजियाबाद। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनारस के अंदर हमारा डे 3 और अभी हम जा रहे हैं गडोलिया। गडोलिया में जो हमारे मित्र हैं हरीश भाई वगैरह उनसे मिलेंगे, उनके साथ में फिर जो है महादेव जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्शा वगैरह है, यहाँ पे गडोलिया गडोलिया जो चल रहा है आप देख पा रहे हैं। और बनारस का पान भी चबा लिया है। मतलब आप जो है भोलेनाथ के पूर्वज है? सर नहीं, वो हमारे पूर्वज है। तो अभी हम जा रहे हैं महादेव जी का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे एक सर है जो कि भोलेनाथ के पूर्वज है। सर भोलेनाथ हमारे पूर्वज। अच्छा भोलेनाथ आपके पूर्वज है? जी। देखिए कैसा संयोग है दोस्तों, कल नए साल का पहला दिन था, कल मैंने साक्षात महादेव जी के दर्शन किए थे छोटे बच्चे के रूप में जो कि घाट पे शाम को आरती के दौरान। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको महादेव जी के बारे में और आपके पूर्वज का जो नाता है? जो महादेव है। जी जी ये देव है, महादेव है, शिव शक्ति है। जी जी इनसे बड़ा कोई है नहीं, है नहीं। यही है शिव। जी जी हाँ इनका कोई बोलिए फिर यही यही ना ही इनका कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ना ही इनका कोई आदि देव महादेव। बिल्कुल यहाँ हमारी कमी हुई यहाँ हमारी। जी 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 कण कण में जो बोलते हैं ना शंकर विराजते हैं महादेव, क्योंकि ये विश्व विश्वनाथ विश्वनाथ ये केंद्र है। बिल्कुल पूरे विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ। जैसे जैसे प्रयागराज। जी 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 काशी शिव जी के त्रिशूल के नोक पे है। जी जी ये जो सिटी है वो शिव जी का त्रिशूल है, उसके नोक पे बसा हुआ पूरा शहर है। बिल्कुल बसा हुआ शहर है। जी जी आप यही से आकलन कर लीजिए कि महादेव जी कितनी बड़ी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी मैडम ने कि शिव जी का जो है ये जो बसे हुए है काशी जो बना हुआ है त्रिशूल के नोक पे बसा हुआ है। और वाकई में मैंने तो कई सारे वीडियो में बोला भी है और मेरी दिली तमन्ना है जब मैं 80 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं काशी में मरना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष मिलता है मैडम, राइट? जो मणिकर्णिका घाट है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी जी। लोग कहते हैं जो काशी में जिनका स्वर्गवास होता है वो साक्षात स्वर्ग प्राप्त करते हैं। साक्षात स्वर्ग प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम कहाँ से, मैडम आप कहाँ से हैं? मैं आजमगढ़ से हूं। जी जी आजमगढ़ से है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो है प्रयागराज से है ना, जहाँ संगम होता है ना, वही ना संगम इलाहाबाद संगम तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। जी जी तीर्थराज प्रयाग। तीर्थों का राजा प्रयाग। तीर्थों का राजा प्रयाग। वही गंगा वही जमुना वही सरस्वती। वही गंगा वही जमुना वही सरस्वती। वहीं पे बड़े हनुमान जी लेते हुए हैं। जी जी और वहीं पे शेष नाग जी है, वहीं पे तक्षक नाग जी है। जी बिल्कुल। लोग कहावत में कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग। जी जी सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ श्री राम जी ने लिया अवतार। अच्छा अच्छा सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ श्री राम जी ने लिया अवतार। वाह भाई वाह, बहुत ही मैडम शायर लगते हैं मुझे। तीर्थों का राजा प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज। लेकिन सही में शायर आप। तीर्थराज उसका नाम ही है। तीर्थराज उसका नाम ही है। मैं काफी साल वहाँ रह के स्टडी की हूँ। अच्छा अच्छा। नाउ आई एम वर्किंग इन गाजियाबाद। मैं गाजियाबाद बीएससी बटालियन में टीचर हूँ। जी जी आप टीचर। जितना मैं रही हूँ जितना यूपी के बारे में जानती हूँ कि हर जगह पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजें हैं। जी जी तो तीर्थराज प्रयाग सबसे बड़ा तीर्थ है। सबसे बड़ा
काफी समय तक वहाँ पे रहे हैं और तुलसीदास जी उनकी जो रचना की है रामायण की वो चित्रकूट में ही किए हैं। वो चित्रकूट में की है रचना उसकी, बिल्कुल कहा गया है। और गंगा गोदावरी तीरथ बड़ा प्यार, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ लेह राम अवतार, लेकिन चित्रकूट छोड़ जो कि चित्रकूट भी अपना हक मांगा। चित्रकूट भी अपना हक मांगा। वहाँ पे एक लाइन है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े, तिलक दे रघुवीर, वहाँ के बारे में एक लाइन है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हम जस्ट रिक्शा से जो है, जो ई रिक्शा थे उससे उतर चुके हैं। हमारे साथ जो सहयात्री हमारे तो थे मैडम, साथ में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे उत्तर प्रदेश टूरिज्म की ओर से। और लाइक दिस वन जो सनातन संस्कृति हमारी भारत की, तो सनातन धर्म के बारे में जो उन्होंने बहुत ही उचित जानकारी दी। चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी जो वे वाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। ये राजस्थानी हमारा सॉन्ग है जो चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी जो वे वाट। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं महादेव जी के, काशी में विश्वनाथ के। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो फाइनली जो है अभी मैं गढ़ोलिया पहुंच रहा हूँ और यहाँ से जो है मुझे सोनिया गली पकड़नी है। सोनिया गली मतलब गली का नाम है सोनिया गली। तो सोनिया गली में एंटर होके वहाँ का अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि वो गली बहुत ही खतरनाक भाई साहब। वही नॉनवेज की बहुत सारी दुकानें वहाँ पर, तो वो गली के अंदर मैं शूट बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं बाहर का जो मार्केट है वो व्यूज आप देख पा रहे। तो सोनिया गली से एंटर होकर के अभी हम जा रहे हैं जो हमारे खास रिश्तेदार वगैरह जो है बनारस के, उनसे मिलेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है, शाम को 5-6 बजे निकलना भी है। तो ये देखिए यहाँ का किराया आ गया है लगभग, सोनिया गली नहीं, ये सनातन धर्म गली है। सोनिया गली से आगे वाली गली रहेगी, सनातन धर्म इंटर कॉलेज। सेल लगी हुई है 250। जो सामने जो मस्जिद दिखाई दे रही है, बिल्कुल मस्जिद के सामने वाली गली वही है सोनिया गली। दूध वाले भैया देखिए, तो ये है लवकुश होटल और इसके जस्ट सामने जो है सोनिया गली का बोर्ड लगा हुआ है। इसी गली के अंदर हमें अभी जाना है। चलिए कैमरे को यहीं पे क्लोज करते हैं।